हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। द सम ऑफ ऑल द फोर डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1, 2, 2 एंड 3, ये दे रखा है। फोर डिजिट का नंबर बनाना है, उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट कितने टाइम्स आता है। ठीक है, सपोज करिए कि अभी हमने यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो इधर आपके पास 1, 2, 2 3 डिजिट है और जिसमें 2 रिपीटेड है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 अकर्स 3 टाइम्स एट यूनिट प्लेस, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 अकर्स 3 टाइम्स एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां 1 रखेंगे, अगर 3 हटा के आप 1 रख दें तब भी क्या होगा, इधर आपके पास रिमेनिंग लेटर यह रहेगा 2, 2, 3, रिमेनिंग डिजिट 2, 2, 3 है, वो भी अकर्स करेगा कितने टाइम, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स। ठीक है, तो 1 अकर्स 3 टाइम्स एट यूनिट प्लेस। लेकिन 2 के केस में ऐसा नहीं होगा, अगर आप यहां पे 2 रख रहे हैं, ठीक है 2 रख रहे हैं, तो इधर आपके पास 3 प्लेस है, 1, 2 आपने फिक्स कर दिया, अब आपके पास रिमेनिंग डिजिट जो है 1, 2, 3 है, और ये कितने तरह से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल से। सो 2 अकर्स हाउ मेनी टाइम्स, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, यानी 6 टाइम्स, 6 टाइम्स एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस। ठीक है, यही सेम कहानी 10th प्लेस के लिए होगा, 100th प्लेस के लिए होगा एंड 1000th प्लेस के लिए होगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस हम निकाल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट, देयरफॉर सम ऑफ डिजिट, केवल डिजिट का सम कर रहे हैं एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस इक्वल टू, अब आपको 3 टाइम्स आ रहा है 3 एंड 1 प्लस 6 टाइम्स आ रहा है आपको 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 4 + 12, दैट मीन्स 12 + 12 = 24। अब हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो सम हो डिजिट का सम होगा वो कितना होगा 24, क्योंकि 3 3 टाइम्स आ गया, ऐसे करके 1 3 टाइम्स आ गया और 6 2 जो है 6 टाइम्स आया, अगर ऐसे आप सम करेंगे तो ये आ गया आपका 24, ये यूनिट प्लेस का। ठीक है, 100th प्लेस का भी कितना होगा और 10th प्लेस का भी कितना होगा 24, और 100 प्लेस का भी सम ऑफ डिजिट 24 एंड 1000 प्लेस का भी सम ऑफ डिजिट 24 हो रहा है। अब सम ऑफ नंबर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर्स जितना आपका बनेगा उसमें आपका हो गया 24, 1000 प्लेस के लिए 24 × 1000 इसका सम, फिर प्लस 100 24 × 100, 100 प्लेस के लिए है, 10th प्लेस के लिए 10 + 1, सो 24 × 4 × 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, तो हो गया 4 6 6 6 2, यानी 26,664। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।